सतगुर गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगी दशमेश पिता श्री आनंदपुर साहब सन दिल्ली दरबार तक खबर पहुंच गई कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शस्त्रधारी सिख रख ले ने, फौजा रख लिया ने, पहाड़ी राजे नाल जंग करते ने, पहाड़िया ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी शिकायत कर दी। बादशाह औरंगजेब नहीं सी चाहता कि गुरु गोविंद सिंह महाराज की ताकत वधे, इसलिए आलमगीर बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली के दरबार में अपने जरनैल मंत्री कट्ठे कर ले। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी वाला सवाल उन्हें अपनी सभा च रखा कि पहाड़ियों की शिकायत आती है, कोई पंजाब की धरती से आनंदपुर साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज के पुत्र ने उन्होंने फौजा बना लिया, अपन गुरु गोविंद सिंह महाराज की ताकत वधन नहीं देनी। ते बादशाह औरंगजेब ने एक तलवार ते पान दा बीड़ा 10,000 रजतपण दी खिलत रख के उन्हें कहा कोई जरनैल उठो जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदा जां मुरदा मेरे दरबार च पेश कर सके, जिन्नी फौज चाहीदी मैं दवांगा, जिन्ने रजतपण ने उन्नी फौज दवांगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा जां मुरदा मेरे दरबार च पेश करो। सब जरनैल वेख रहे सन, उन्होंने विच 32 कसालां दा इक चढ़दी उम्र दा नौजवान उन्हें उठ के तलवार ते पान दा वीड़ा चुक लिया, 10,000 मोहरां उन्हें दे दित्तियां। औरंगजेब बादशाह पुछदा है किन्नी फौज चाहीदी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पकड़न वास्ते। वह 32 दे जरनैल ने बड़े हंकार विच कहा जी 10,000 फौज दे दिओ, गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदा पकड़ के तुहाडे दरबार च पेश करदा। औरंगजेब बादशाह ने 10,000 फौज उहदे नाम कर दित्ती, उहनूं दे दित्ता 1,000 फौज तैनूं पानीपत तों मिलेगी, 1,000 फौज सरहंद तों मिलेगी, 1,000 फौज तूं नाल लैके जाएगा, आनंदपुर साहिब पहुंचदिआं तेरे कोल 10,000 फौज होएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा पेश करना है जां मुरदा पेश करना है। इस तरह वह कसम खा के पान दा बीड़ा 10,000 रजतपण चुक के तुर पिया। उन्हें हमला करना सी आनंदपुर साहिब ते, जो उन्हें पंजाब में एंटर किया जिवें कुरुक्षेत्र की धरती लंघिया तो उहदे मन में ख्याल आउंदा है आनंदपुर साहिब का रस्ता पकड़ना है, इस रस्ते विच मेरी भैन का पिंड आउंदा है, होवे ना अपने भैन ते पनोईए नूं मिल चलना, उन्होंने पिंड विच उन्होंने सोभा बधेगी कि वाह बेगम नसीरां दा भरा एडा वड्डा जरनैल है, इहदे कोल इन्नियां फौजां ने। क्योंकि मनुखी मन की फितरत रहिंदी है, इहनूं कोई अहुदा मिल जाए तो पहला रिश्तेदारां नूं विखाउणा चाहुंदा है, यह हंकारी मन की निशानी है। इहनूं कोई एक अद्धा गनमैन मिल जाए पहला बंदा पूरी रिश्तेदारी च कमाउंदा है, पता लग जाए इहनूं वी गनमैन मिलेगा। उहनूं तां इन्नी वड्डी फौज मिली, 10,000 फौज लैके वह पंजाब विच वड़दा है, तो इसे रस्ते लंघने भैन का पिंड रस्ते आने, उन्हें दूर दूर तक फौजा खिलार दित्तियां, कुछ मंत्रियों लैके अपने भैन पनोईए के पिंड चला गया सडौरे। जो सडौरे पहुंचा दूर दूर तक खबर फैल गई, पिंड रौला पै गया, कोई जरनैल आया बड़ा ताकतवर है, कहिंदे कई पिंडां तक इहदी फौज ठहरी हुई है, दिल्लियों किते चढ़ाई करन जा रहा, कौन है? तो पिंड वाले कहिंदे नहीं नसीरां दा भरा है, बड़ा वड्डा जरनैल है, इन्नियां फौजां इहदे नाल। साध संगत ये नसीरां बेगम पता कौन है? सडौरे दे पीर बुद्धू शाह दे घर वाली है, पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा मुरीद है, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्ते पीर बुद्धू शाह ते नसीरां बड़ी आस्था रखते ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं रब करके मनते ने। इस गल का इलम इहदे भरा नूं नहीं सी, अपनी भैन दे घर पहुंच गया, इहनूं जल पानी छकाया, बड़ा अदब सत्कार किया, भैन ने चाह विच दवां दा भोजन प्रशादा तैयार किया, ते अपने भरा नूं कहिंदी है सैदे आ भरा वीरिया कोल बह के प्रशादा छक, मैं गर्म गर्म बनाउनी है तू छकी चल। भैणां नूं भरावां दा बड़ा चाह हुंदा है, अपने चौंके ते कोल बिठा के लै सैदे वीरे मैं भोजन बनाउनी प्रशादा गर्म गर्म छक।
सैदा प्रशादा छकद है। यह नाम इतिहास में सैद खाना है। सह संगत प्रशादा छकद्या छकद्या छकाद्या भैन नसीर ने पूछ लिया, वीर लोग दसते ने बड़ी फौज लेके आया, एडा वड्डा जरनैल बन गया, मेरे भरा की इन्नी चढ़त है, मैनू बड़ी खुशी है, पर चढ़ाई किधर की हो? ते भोजन छकद्या सैद खां बोलिया, कहना भैने इधर कोई पहाड़िया विच गुरु गोबिंद सिंह रहिंदा है, मैं उन्हों पकड़ वास्ते चले। जो इन्नी गल कही भैन दे हथों प्रशादा डिग पिया। उन्हें कहा, वीरा अल्लाह ताला खुदा तो डर, किनू पकड़न तुर पे? उन्हें कहा, भैने तेनू की होया? भैन नसीरा ने कहा, सैदिया जिनू पकड़न चले वो कोई शरीर व्यक्ति गुरु गोबिंद सिंह नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं, अल्लाह ताला दी शक्ति है, उनू दुनिया का कोई बंदा कैद नहीं कर सकता। तू गलत फैसला ले लिया, जा एक भैन दी नसीहत दी नसीहत मन, जा वापस मुड़ जा, एक भैन दी नसीहत है तेनू गुरु गोबिंद सिंह नू पकड़न दी गल भुल जा, इत्थों वापस दिल्ली चला जा। गुस्से क्रोध विच इन्हें प्रशादा छड़ दिता, उठ के खलो गया, कह लगा, भैने मैं भी जरनैलों की सभा में पान का बीड़ा चुके है, तो मैं पान का बीड़ा चब के कसम खाधी है, गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदा जां मुरदा दिल्ली दरबार पेश करांगा, हुण मैनूं कोई नहीं रोक सकता। कहिंदे भैण दे वरजण उत्ते भी इह वरजिआ ना, चला गया फौजां लैके ने आनंदपुर साहब वल चढ़ाई कीती। दिन लंघिआ, रात पै गई, इन्हें आनंदपुर साहब दे कोल जाके डेरा कर लिया। दूर दूर तक फौजां खिलार दित्तियां, जिथे ने डेरा किया ना उत्थे अज स्थान बनिया होया। श्री आनंदपुर साहब तो 13 कमील की बिथ उत्ते नूरपुर बेदी की बिल्कुल फरगना जूह के अंदर इन्हें दूर दूर तक फौजां खिलारियां रुक गया। तो दो बंदे कल्ले जाओ आनंदपुर साहब सूह लैके आओ, किन्नी क फौज है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को। हुण सुनियो अरदास किवें काम कर। इन्हें दो बंदे भेजे आनंदपुर साहब की खबर लैके आए, 700 बंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को, ज्यादा नहीं, उहदे कोल कोई तोपी निशान नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज को तीरां ते तलवार ने, 700 बंदा लड़न वाला है। हसया बड़ा सैद खान, कहिंदा एवें भैण कही जांदी सी गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ ना भुल जा, 700 बंदा तां असी 7 घंटियां विच पकड़ लैणा सब कुछ तक, इह ते मेरे ताएं हाथ का कम है। बड़ा हंकार विच, मेरे को 10,000 फौज, उन्हां को 700 बंदा, तो बड़ा खुश होया। इधर सडौरे बैठी भैन ने आनंदपुर साहब वल मूह करके अरदास की, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मेरे भरा नूं तुहाडा इलम नहीं, मेरे भरा नूं तुहाडे बारे पता नहीं, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुहानूं मारन जां पकड़न वास्ते मेरा भरा है, एक भैन की तुहाडे चरणां च अरदास है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे भरा नूं जानो ना मारियो, उन्हूं कृपा करके अपनी शरण विच रख ले। महाराज उन्हूं मारियो ना किते, इह हुण भैन अरदासां कर, महाराज मेरे भरा सैद खां नूं जानो ना मारियो, उन्हूं अपने चरणां च रख लियो। शामी भी अरदास, सवेरे भी अरदास, एक भैन नित अरदास करदी है। इधर आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने, जिथे नूरपुर बेदी की जूह विच बैठा सी ना, कलगी धर पातशाह ने आनंदपुर साहब किला आनंदगढ़ तो तीर छड़िया, 13 मील की बिथ ते निशाना मारिया, जिथे सैद खान बैठे दे पलंग दे पावे च तीर वजिया। जदों तीर वजिया ते हैरान हो गया, किसी शिकारी ने तीर मारिया? ये तीर जे मेरे मत्थे उत्ते छाती ते लगदा मर जाना सी। नाल दे सिपाहियां तीर कढ़िया ते वेख के कहिंदे, जी ये तीर गुरु गोबिंद सिंह ने मारिया। कहिंदा तुहानूं किवें पता? ओह कहिंदे, जी गुरु गोबिंद सिंह दे तीर दी निशानी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे तीर नूं सोना लग्या हुंदा है, आ वेखो नोक ते सोना चिमड़िया, इस वास्ते जे उहनां दे तीर नाल कोई मर जाए तां उहदा कफन दफन ते परिवार दा गुजारा हो सके। बड़ा हैरान होया, एड्डी दूर निशाना, आनंदपुर साहब किन्नी दूर है,
उन्हें कहा जी 13 मील कहिंदा एड्डी दूर कोई निशाना नहीं ला सकता। जब तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज करामती ने ते जा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि नेड़े तेड़े ने लभो झाड़ियों में लभन लग पे सिपाही ना लभे तो कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह करामती ने ताइयों एड्डी दूर निशाना लाया। हुण भैण दीआं गल्लां चेते आउण लग पईआं वीरा गुरु गोबिंद सिंह कोई शरीर व्यक्ति नहीं वो अल्लाह ताला दी शक्ति है। भैण दीआं गल्लां मन च आउण लग इन्दे नूं इतिहास कहिंदा एक तीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने होर छड्डिया ओ पलंग दे दूजे पावे विच लगा ए डर गया मन जिहड़ा तीर मेरे मंजे पलंग विच मार सकदा है वो मेरी छाती विच भी तीर मार के खत्म कर सकदा सी। जदों ओ तीर कढ़िया ओहदे नाल इक पत्तर बन्निया ओ पत्ते ते चिट्ठी ते लिखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा गुरु गोबिंद सिंह ने करामात नाल तीर नहीं मारे। उपर लिखा पातशाह ने लिखा सैद खान ए तीर करामात नाल नहीं ए शस्त्र विद्या दे अभ्यास कला नाल तीर मारे है। एदा 13-13 मील ते निशाना मेरा कला कला सिख ला सकदा है ये करामात नहीं ये शस्त्र विद्या दा अभ्यास है। बड़ा तपया गुस्से विच क्रोध विच इन्हें कहा हल्ला बोल दे आनंदपुर साहिब 10,000 फौज लैके जा अली दे नारे लाउंदे चढ़ पए श्री आनंदपुर साहिब ते घमसान की जंग मच गई। गुरु दे सिख जंग लड़ रहे सन इधर भैण नसीरां भरा लई अरदासां करदी है महाराज मेरे भरा नूं बख्श दिओ इहनूं जानो ना मारिओ इहनूं अपने कोल रख लिओ। इदां अरदासां हो रही ने मदन्ने जंग चल पिया ते सैद खां मन विच कहिंदा जे गुरु गोबिंद सिंह एड्डा ही वली है तां मेरे सामने आवे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज मदन्ने जंग विच आउण लई तैयार हो गए। सिखां हथ जोड़ के कहा महाराज तुसीं ना जंग विच जाओ जिन्नी देर असीं जिउंदे आ गुरु दा की कम जंग विच। कलगीधर पातशाह ने बचन कहे कहिंदे दया राम हुण जंग बदल गई है। पातशाह तो सिख पुछदे महाराज जंग किवें बदल गई है। उदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं ने अजे खंडे वाटे दी पौल अमृत पान सिखां नूं नहीं कराया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले कहिंदे सिखो जंग बदल गई है। कहिंदे महाराज किवें कहिंदे जंग हुण तीर कमान तीरां तलवारां ते तोपां दी नहीं जंग कोई होर शुरू हो गई है। सानूं किसे ने बंगार पा के कहा जे गुरु गोबिंद सिंह एड्डा ही बली है मेरे सामने आ नाले जिन्हें सानू बुलाया ना सिखो ओदी खैरियत वास्ते ओदी भैण अरदासां कर रही है असी उस दी भैण दी कीती अरदास व्यर्थ नहीं जा दे सकते क्योंकि वह अरदास कोई होर नहीं सढौरे दे पीर बुद्धू शाह दी बेगम कर रही है। जेड़ा साडा मुरीद होवे ओदी अरदास कदे व्यर्थ नहीं जाती। पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जंग विच आ गए मची हुई जंग हजूर ने घोड़ा लिया के सीधा खिलार दिता सैद खान के सामने। पातशाह बोले सैद खान इधर वेख मैनू गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने जे वार कर सकने ते कर। सैद खान ने तीर नूं हथ पाया श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने घोड़ा होर नजदीक कर लिया ये अंतों कंबन लग पिया मना इनू मरन का खौफ डर नहीं ये नजदीक क्यों आ रहे ने। कलगीधर पातशाह वे खौफ अगे वधदे गए बिल्कुल थोड़ा बकवा रह गया ते सैद खां कहिंदा महाराज इन्ने नेड़े मैं तीर की मारा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नजर भर के सैद खान वल वेख्या इहदे हथ विचों तीर छुट गया नजर मिलन दी देर सी। कलगीधर पातशाह ने ओ तीर इहदे मार दिता जिहड़ा किसे भागां वाले दे वजदा है ओ तीर। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी नजर मिली ते पातशाह ने ओ तीर महरामत दा कृपा दा तरस दा इहदे वल छड्डिया जिहड़ा किसे भागां वाले दे वजदा है। पातशाह ने इक्को ही नजर पाई सैद खां घोड़े तों भौं उतर आया इहदियां अखां हंझुआं नाल भर गईआं तीर कमान इन्हें सुट दिते वो तीर पता केड़ा चलिया जिन्हों पातशाह बाणी अंदर कहिंदे कबीर सतगुर सूर में
ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰ ਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਐਸਾ ਛੇਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਰੋ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਪਕੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਭੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ, ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਰਕੰਨਾ ਫੌਜ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਮੋਖਾ ਦੇਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਰਕੰਨਾ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ।